अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज जो डिश मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है गुलाब जामुन की रेसिपी, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों की फरमाइश थी। सो लेट्स सी इट्स इंग्रेडिएंट्स। सो इसके लिए हमें चाहिए है पाउडर मिल्क 2 कप्स, बटर 2 टीस्पून, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, और ऑल पर्पस फ्लावर 2 टेबल स्पून्स चाहिए हमें, और सेमोलिना यानी कि सूजी ये मैंने 3 टीस्पून लेकर, और इसको 4 टीस्पून वाटर के अंदर इसको सोक करने में दिया था, और इसको आपने 10 मिनट्स के लिए रखना है ताकि इसमें अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए वाटर। एंड मिल्क 8 टेबल स्पून्स, शुगर 2 कप्स, 2 कप जो है शुगर के लेने हैं, और कार्डमम्स जो है छोटी इलायची ये 4-5 ले लें, एंड लेमन जूस ये 2-3, इसमें से थोड़े से ड्रॉप्स चाहिए होंगे हमें, एंड वाटर हम लोगों ने लिया है 2.5 कप। सो लेट स्टार्ट मेकिंग। सो इसमें हम लोगों ने ये जो पाउडर मिल्क है ये वी नीड टू पुट दैट वन, एंड द बटर एंड द ऑल पर्पस फ्लावर एंड द बेकिंग पाउडर एंड द सेमोलिना जो कि सूजी थी हमारी, ये हम इसमें डाल देंगे। एंड देन वी हैव टू जस्ट मिक्स इट विथ सॉफ्ट हैंड्स, इसको हमने बहुत अच्छे से मिक्स करना है। इसको हमने अच्छे तरीके से हर चीज़ों को मिक्स करना है, लाइक दिस। सो एवरीथिंग इज गेटिंग मिक्स्ड। इसको हमने 2-3 मिनट्स तक ऐसे करना है। सो इट लुक्स लाइक क्रम्प्ड की कंडीशन सी लगे, जरा सी है, इस तरीके से इसको करते रहेंगे। नाउ आई एम जस्ट पुटिंग द 8 टेबल स्पून जो हमने मिल्क लिया था वो आई एम जस्ट पुटिंग इट, एंड नाउ विद आई एम जस्ट मेकिंग अ डो। इसको हमने 2-3 मिनट्स तक इसको अच्छी तरीके से इसको मिक्स किया है, और अब हम इसको रेस्ट करने के लिए 10 मिनट्स के लिए रख देंगे। अब हम अपने पैन में जो हमने 2.5 कप ऑफ वाटर लिया था वो एंड 2 कप ऑफ शुगर एंड ये जो हम लोगों ने कार्डमम्स लिए थे इसको थोड़ा सा ओपन करके इसमें डाल देंगे। और इसको शीरे को हमने 5 मिनट्स तक मीडियम फ्लेम पर बॉईल किया है, और अब हम इसमें 2-3 ड्रॉप्स जो हैं वो लेमन जूस के डालेंगे। इससे जो शुगर है वो क्रिस्टलाइज इससे शुगर जो है वो क्रिस्टलाइज नहीं होगी। सो इसको हम बस अब ये हो चुका है हमारा शीरा, इसको बस अब हम स्टोव को हम बंद कर देंगे। डो को रखे हुए 10 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम इसको देख रहे हैं कि अगर मैं थोड़ा सा ड्राई लग रहा है ये, अगर तो इसमें स्लाइटली बिट ऑफ मिल्क अप और मिक्स कर सकते हैं, और इसको तरीके से करना है, लाइक दिस। सो ये थोड़ा सा स्लिपरी सा बन जाएगा। इस डो को मैंने 2-3 मिनट्स तक और इस तरीके से किया है, इसमें 3 टेबल स्पून जो है मिल के और डाले हैं, तो ये इस तरह के सॉफ्ट से बन जाएंगे। तो थोड़े थोड़े से लेके छोटे छोटे सी बॉल्स बनानी है हमें। देखिए इस तरीके से,
और सारे डोसे बॉल्स बना रहे हैं। सो नाज़रीन, ये हमारी 16 गुलाब जामुन जो है वो तैयार हुई है। इसे अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। इसको हम बिल्कुल ही स्लो, मीडियम से भी बहुत कम इस पर फ्लेम पर इसको हम लोग बनाएंगे। तो इसे हम थोड़ा छोटा सा पीस डाल के देखते हैं कि ये स्लाइटली बिट ऑफ हॉट हुआ है कि नहीं। इसको बिल्कुल भी तेज़ आंच पे नहीं पकाना। तो अब हम इसमें अपने सारे गुलाब जामुन डाल देंगे और इसको टच नहीं करेंगे। ये गुलाब जामुन थोड़ी देर में खुद ही ऊपर आ जाएंगे। अब ये इसमें देख रहे हैं आप कि बिल्कुल स्लाइटली बिट ऑफ बबल्स आ रहे हैं और ये बहुत ही ज़्यादा स्लो फ्लेम पर पकेगी। इसको टच नहीं करना है अभी। ये भी थोड़ी देर में खुद ही थोड़ा सा स्लाइटली बिट होंगे तो फिर हम इसको फिर हम राउंड राउंड से करेंगे। इसको 2-3 मिनट्स तक इस तरह ही रखे रहने देंगे। ये अब देखें इसको ज़रा, ये जो जो इसमें से गुलाब जामुन जो है वो थोड़ी सी फ्राई हुई है, ये ऊपर को आ गई है। तो अब इस टाइम पे जब भी काफ़ी सारी ऊपर को आ जाएं, सो दे कम अप ऑन द टॉप। सो अब हम इसको हल्का सा यूज कर सकते हैं स्लाइटली बिट, सो दे कैन मूव अराउंड और ये सा चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने लगे। और बिल्कुल ही लो फ्लेम पर ही पकेगी है। और फिर थोड़ी देर के बाद हम लोग जब आफ्टर 1 मिनट हम इसको स्लाइटली बिट ऑफ लो मीडियम पर आ जाएंगे फिर हम, मगर अभी हम इसको बस ऐसे ही करते रहेंगे। गुलाब जामुन को हमारी फ्राई होते हुए 1 मिनट और हो चुका है। अब हम इसको स्लाइटली बिट ऑफ मीडियम आंच पे ले आएंगे क्योंकि अब सारे गुलाब जामुन जो है वो ऊपर आ चुकी हैं। सो नाउ अब हम इसको अच्छा सा गोल्डन कलर देंगे और इसको बराबर इसमें स्पून चलाते रहेंगे वरना ये अनइवन ब्राउन होगी। गुलाब जामुन हमारी अच्छी से ब्राउन हो चुकी है। देखिए इसका कितना खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है। आपने इसमें बराबर से स्पून चलाते रहना है ये ताकि ये इवनली ब्राउन रहे। अब ये चूंकि बन चुकी हैं अब हम इसको शीरे में डालेंगे। फ़ौरन से शीरे में डालना है, इसको वेट नहीं करना कि पहले थोड़ा इसका ऑयल निकल जाए तो बाद में डालेंगे। इसको फ़ौरन डालना है शीरे में ताकि ये सोक करे। और इसको अब हम जो है अब हम इसको कवर करके रख देंगे 1 आवर के लिए। उनकी फाइनल लुक है, इसको हमने 1 आवर के लिए जो सोक किया था शीरे में, तो देखिए इसकी साइज़ भी बड़ा हो गया है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही है। इसको आप रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसी लगी और मेरी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अपनी दुआओं में याद रखें। और इंशाल्लाह फिर नई और अच्छी सी रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।